खबर सतना जिले से आ रही है, जहां लगभग 50 लाख रुपए का गबन करने के बाद पिछले लगभग डेढ़ साल से फरार चल रहे कियोस्क संचालक आरोपी को पुलिस द्वारा प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। सन 2021 में कियोस्क संचालक द्वारा सैकड़ों लोगों का लाखों रुपए इंडियन बैंक में जमा करने के नाम पर हड़प लिया गया था। पूरा मामला सतना जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र का है। चित्रकूट स्थित पर्यटक तिराहे के पास नया गांव चित्रकूट निवासी राजेश यादव कियोस्क संचालक के तहत इंडियन बैंक खाता धारकों के पैसों की जमा निकासी का काम करता था। पिता हीरालाल यादव के बैंक कर्मचारी होने के चलते लोगों का राजेश यादव के ऊपर काफी विश्वास था, जिसके कारण जहां लोग बैंक में जाकर होने वाली परेशानियों के चलते राजेश यादव को अपने खातों में रुपयों को जमा करवाने के लिए देकर चले जाते थे। दूसरी तरफ बैंक कर्मचारियों द्वारा भी ग्राहकों को पैसे जमा करवाने के लिए राजेश के पास ही भेज दिया जाता था। इसी चीज का फायदा उठाकर राजेश यादव द्वारा ग्राहकों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया गया और फरार हो गया। सन 2021 में राजेश यादव द्वारा ठगी के शिकार हुए लोगों ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव से मुलाकात कर न्याय दिलाए जाने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी राजेश यादव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 141/2021 कायम किया गया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही थी। SDOP चित्रकूट आशीष जैन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिली जानकारी के बाद आरोपी को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ठगी के रुपयों से खरीदी गई बलेनो गाड़ी भी जब्त की गई है। SDOP चित्रकूट के अनुसार चूंकि इतनी बड़ी जालसाजी बिना बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से संभव नहीं है, अतः इंडियन बैंक के तत्कालीन मैनेजर प्रभात रंजन को भी सह आरोपी बनाते हुए शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पिछले वर्ष 2021 में अपराध क्रमांक 141 अपराध क्रमांक चित्रकूट थाना अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी राजेश यादव, पिता हीरालाल यादव, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी चित्रकूट, जिसने करीब कियोस्क संचालक था, जिसने विभिन्न हितग्राहियों का करीब 50 लाख रुपए का करीब गबन किया था और तब से ही लगातार फरार चल रहा था। अभी हमें मुखबिर सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इलाहाबाद में रहकर जीवन यापन कर रहा है, तो हमने दबिश देकर इसको इलाहाबाद से गिरफ्तार किया है। दो दिन की हमने इसके पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से ली थी, जिसमें इसने उक्त पैसों से एक बलेनो गाड़ी खरीदना बताया जो हमने जब्त कर ली है, और अन्य पैसों के संबंध में इसने कुछ स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं बताया है, और है ना, तो जो है इसके विषय में हम और अधिक विवेचना कर रहे हैं। अभी तत्कालीन अभी जो है कि आज इसकी पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, तो हम इसको माननीय न्यायालय में पेश करके न्याय का प्रतीक्षा। और कौन आरोपी है इनके साथ में? इसके संबंध में अभी एक तत्कालीन इंडियन बैंक का मैनेजर प्रभात रंजन है, जो जिसको हम अभी इसके सह आरोपी के रूप में ले रहे हैं। हम जल्द ही उसको भी गिरफ्तार करेंगे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।